ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस लेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कि व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है? स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो उसमें जो स्टीरियोआइसोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो कायरल कार्बन है उसके अराउंड एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, उस अरेंजमेंट को बेसिकली हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वर्ड बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ज्योमेट्रिकल में हम लोग सिस और ट्रांस नहीं बोलते कि दो मॉलिक्यूल दिखने में एक जैसे होते हैं, बट एक को हम लोग बोल देते हैं कि भाई इसको सिंबलाइज कर देते हैं कि ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। जैसे सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बोलते हैं, वैसे ऑप्टिकल आइसोमर को हम सिंबलाइज करते हैं डीएल और आरएस सिस्टम से। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस बात को दिमाग में रखना, इस डीएल का नोट किया, ये कैपिटल डीएल है, इसका स्मॉल डी एल से कोई लिंक नहीं है। स्मॉल डी और एल से, डेक्स्ट्रो और लीवो को हम स्मॉल डी और स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या प्लस के साइन से या माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका डी एल सिस्टम से कोई लिंक नहीं, ये कैपिटल डी कैपिटल एल है। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल दे जस्ट रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट अराउंड कायरल कार्बन, एंड डी एंड एल दे रिप्रेजेंट द दैट हाउ दैट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट पी पी एल लाइट। तो मेन बात, कैपिटल डी एल का स्मॉल डी एल से कोई लिंक नहीं है, वहां पे स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूज नहीं होना। नाउ व्हाट इज डी एल सिस्टम? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल सा है। पहली बात, इट इज नॉट ए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये उसकी रियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसमें हम उसे किसी से रिलेट करते हैं। जिसको आपने डी या एल असाइन करना है उसको आप किसी कंपाउंड से करेंगे रिलेट। स्टूडेंट्स, एक मॉलिक्यूल हमने माना हुआ है स्टैंडर्ड, एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड ग्लाइसर एल्डिहाइड। दैट मॉलिक्यूल जो यहाँ पे दो मैंने मॉलिक्यूल दे रखे हैं स्टूडेंट्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्या, ग्लाइसर एल्डिहाइड। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मल्टीपल्स में कई बार सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि डी एल सिस्टम में जब आप किसी मॉलिक्यूल को डी और एल नाम देते हो तो आप उसे किससे कंपेयर करके नाम देते हो, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लाइसर एल्डिहाइड। ऊपर एल्डिहाइड, फिर ये आपका कार्बन हो गया, सेकेंड पोजिशन पे OH एंड थर्ड पे CH2 एंड देन OH। नाउ स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा होता है, आपने क्या कर, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लाइसर एल्डिहाइड। अब इन दोनों में से एक मॉलिक्यूल D है और एक मॉलिक्यूल L है, आपने सिर्फ OH की तरफ देखना होता है कि OH की जो पोजिशन है वो क्या है। अगर OH राइट साइड पे है तो आप उसको D बोलोगे, तो इसका जो नाम है वो क्या पड़ गया, डी ग्लाइसर एल्डिहाइड। और अगर OH जो है वो लेफ्ट साइड पे है तो आप उसे क्या बोल देते हो, L, तो उसे आप L बोल देते हो। तो याद करने के लिए बहुत आसान रहेगा, लेफ्ट L फॉर लेफ्ट, L फॉर कैपिटल L, L हो जाएगा, तो इसका नाम है L ग्लाइसर एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स, आप याद कीजिए कि जब आप लोग मार्केट से ग्लूकोज परचेज करते हो, ग्लूकोज परचेज करते हो, तो उसके आगे यहाँ पे डी लिखा होता है, क्या माइंड में आया कि वो डी स्मॉल डी या कैपिटल डी? यस, थोड़ा सोचिए कि यहाँ पे कैपिटल डी होता है या स्मॉल डी होता है। देखना, कैपिटल डी होता है, और कैपिटल डी का मतलब है कि हम ऐसे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं जिसमें जो पोजीशन है OH की वो कहाँ पे है, राइट साइड पे है। नाउ एक स्टूडेंट्स याद रखना, एक्चुअली में हम उन कंपाउंड के आगे डी या एल लगाते हैं जो कंपाउंड या तो हम ग्लाइसर एल्डिहाइड से बना सकते हैं, या जिन कंपाउंड को आप जो है वो ये वाला कंपाउंड बना सकते हो, जिन कंपाउंड से जो कंपाउंड इनसे बन सकता है या जो कंपाउंड इनको बना सकता है उसको हम कंपेयर करते हैं इस मॉलिक्यूल से, दैट इज कॉल्ड क्या, ग्लाइसर एल्डिहाइड। अब जैसे आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपने बताना है कि ये कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ये डी है या एल है। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा जस्ट सिंपल कि OH कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड पे, तो ये क्या है, डी, तो इसकी जो भी इसका नाम होगा दैट इज कॉल्ड डी। ओके, ये ग्लूकोज है। अब आप कन्फ्यूज़ की ग्लूकोज में तो बहुत सारे OH दिख रहे हैं, आपको जो OH दिख रहे हैं वो तो बहुत सारे हैं, एक OH, दो OH, तीन OH, चार OH, पाँच OH, तो अब हम, और कुछ OH लेफ्ट साइड पे भी है, कुछ OH राइट साइड पे भी है, तो हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, अगर किसी मॉलिक्यूल में OH एक से ज़्यादा आ जाए तो जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है, आप उसकी नेमिंग करेंगे तो जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा उस कार्बन का आपने OH को देखना होगा। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और छह कार्बन है, तो जो सेकेंड लास्ट वाला है वो आपका ये वाला हो गया। इसमें आप OH की पोजीशन देखेंगे वो कहाँ पे है,
राइट साइड पे है तो इसका मतलब ये डी ग्लूकोज है, अगर ये OH इस तरफ होता तो हम इसे क्या बोल देते, एल ग्लूकोज बोल देते। तो बेसिकली डी का मतलब है कि ये वो वाले कंपाउंड है जो डी ग्लाइसर एल्डिहाइड से या तो बने हैं या ये उसको बना सकते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट्स ये देखें, स्टूडेंट्स दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एलानिन। ये एक एलानिन है, ये एक अमाइनो एसिड है जिस कार्बन पे एक COH हो और एक NH2 ग्रुप लगा हो तो उसे हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये प्रोटीन का यूनिट होता है, एलानिन इसका नाम है, एलानिन। अब ये बताएं डी है कि एल है, पर आप कन्फ्यूज कि इसमें तो OH ही नहीं है। अगर OH ना हो तो आप NH2 को देखते हो कि NH2 किस तरफ है, अगर NH2 राइट साइड पे है तो वो डी, लेफ्ट साइड पे होता तो वो एल होता। तो बाई चांस मैंने सारी एग्जाम्पल ऐसी दी जिसमें डी आंसर आ रहा है। चलो अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं तो अगर आप इसका नाम हम लोग बोलते तो ये क्या हो गया, एल एलानिन, तो ये एल एलानिन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए जरा। एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड टार्ट्रिक एसिड, उसका जो नाम है वो हमने ऐसे दिया डी टार्ट्रिक एसिड। क्यों ऐसा नाम हमने क्यों दिया? ऑप्शन ए, क्योंकि उसकी ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो टुवार्ड्स राइट है। भाई अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो क्लियर कि वो पीपी लाइट को रोटेट करेगा, मतलब वो ऑप्टिकल रोटेशन तो शो करेगा बट राइट की तरफ करेगा या लेफ्ट की तरफ करेगा वो अपने को नहीं पता, बिकॉज दिस इज नॉट स्मॉल डी। अगर ये स्मॉल डी होता फिर हम राइट वाला ऑप्शन ए ऑप्शन को सही बोल देते, पर ये तो कैपिटल डी है जिसका रोटेशन से कोई मतलब नहीं है। बी पॉइंट, तो ए ऑप्शन गलत हो गई। ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा, यस ऑप्टिकल एक्टिव है तो शो तो करेगा। और ये जो कंपाउंड है लिखा हुआ है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम डी ग्लूकोज, क्या ये डी ग्लूकोज से बना है? नहीं, ऑप्टिकल रोटेशन तो शो करेगा, यस क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव है वो तो शो करेगा। एंड इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम डी ग्लाइसोरल्डिहाइड, यस क्योंकि इसके ऊपर डी है। मैंने अभी आपको बताया था जो कंपाउंड हम बना सकते हैं किससे, ग्लाइसर एल्डिहाइड से, या जो कंपाउंड इनको बना सकता है उनके आगे हम डी या एल लगाते हैं। तो इसका नाम डी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये किससे ड्राइव हुआ है, डी ग्लाइसर एल्डिहाइड से ड्राइव हुआ होगा, यस। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा पर तब जब उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ड्यूटेरियम से, नहीं नहीं यहाँ पे ड्यूटेरियम का कोई मतलब नहीं है। इस डी का बेसिकली मतलब है कि वो कंपाउंड किससे बना है, किस कंपाउंड से बना है, ग्लाइसर एल्डिहाइड से, और उसके अंदर जो OH है या NH2 होगा वो राइट साइड पे रखा होगा। लिमिटेशन ऑफ दैट DL सिस्टम, स्टूडेंट्स इस सिस्टम की एक लिमिटेशन है, दिस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब आप हर कंपाउंड के लिए, हर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए DL अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने कहा DL आप सिर्फ उन्हीं के लिए लगा सकते हो जो ग्लाइसर एल्डिहाइड से या तो बने हैं या उनको बना सकते हैं। जो कंपाउंड इन कंपाउंड से नहीं बनते या इनको नहीं बना सकते उनके लिए आप DL सिस्टम नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये कुछ सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ही वैलिड है। स्टूडेंट्स अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो पिछले साल नीट में आया था। अगर आपने पिछला लेक्चर और ये लेक्चर अच्छे से सुना है तो आपको ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता होगा। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन करके आपको लगेगा कि यस जो हम लोग कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन देखिए नीट 2016 में आया था। तो क्या क्वेश्चन है कि आपको ये चार ऑप्शंस दी हुई हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो एक तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल डी है या एल है, डी एल या डी एल भी आ गया। और आपसे याद है अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था डायस्टियोमर्स दो तरह के होते थे, राइथ्रो एंड थ्रियोस। तो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि ये राइथ्रो है या थ्रियोस है। यस स्टूडेंट्स पहले तो देखते हैं कि DL सिस्टम के अकॉर्डिंगली पहले चलते हैं। यस डी कब बोलते हैं? अगर एक से ज़्यादा OH आ जाए, एक से ज़्यादा OH आ जाए तो सेकंड लास्ट कार्बन को चेक करते हैं। सेकंड लास्ट कार्बन इसका सेकंड लास्ट कार्बन ये है और इसका सेकंड लास्ट कार्बन ये है। ये सेकंड लास्ट कार्बन के हिसाब से ये क्या बनता है? डी। ओके यानी सी ऑप्शन तो गलत हो गई। ये क्या बनता है? डी। ओके ये क्या बनता है? एल, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है इसलिए एल। क्योंकि सेकंड लास्ट वाला कार्बन लेफ्ट साइड, सेकंड लास्ट वाला जो है OH वो लेफ्ट साइड पे है इसलिए एल। तो डी और एल को देखें तो ए बी ऑप्शन ठीक बैठ रही है और बी ऑप्शन भी ठीक बैठ रही है।
अब देखते हैं जरा कि राइट थ्रो और थ्री ओज कौन है. स्टूडेंट्स याद है मैंने आपको एक ट्रिक करवाई थी, थ्री ओज टी फॉर ट्रांस, जिसमें दो सेम ग्रुप अगर ऑपोजिट तरफ आए तो वो थ्री ओज होता है. ये थ्री ओ है, सही. तो सेम तरफ आए तो राइट थ्रो होगा, ये भी सही. सेम तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब राइट थ्रो होगा, सही. और सेम ग्रुप ऑपोजिट तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब थ्री ओज होगा, सही. डेफिनेटली ए उसका जो है वो करेक्ट आंसर है. स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. अब देखो कितना करने से हमारा पिछला लेक्चर वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया और आपका डीएल सिस्टम भी कवर हो गया. अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डीएल सिस्टम इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, आप हर मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन को डीएल से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. तो इससे एक बेटर एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम बोलते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन. स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं. देखिए स्टूडेंट्स आरएस कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले यहाँ पे जो आर है दैट आर मीन्स रेक्टस एंड एस मीन सिनिस्टर्स. और ये एक लैटिन वर्ड है जहाँ पे रेक्टस का मतलब राइट होता है और सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट होता है. तो आर और एस. नाउ अब इसमें क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने ये बताना है कि ये जो गिवन कंपाउंड है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है. तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं. वो रूल क्या, असाइन प्रायोरिटीज टू ग्रुप अटैच टू कायरल कार्बन. जो कायरल कार्बन के साथ जैसे ये ग्रुप है ब्रोमीन मिथाइल सी एल एच, आप पहले इनको नंबर 1, 2, 3, 4 देंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास. जिनका जिसका मास ज़्यादा है उसको नंबर 1, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ब्रोमीन का मास ज़्यादा है नंबर 1, उसके बाद ज़्यादा है क्लोरीन का मास नंबर 2, फिर उसके बाद कार्बन का. इसे मिथाइल नहीं देखना, पहला एटम देखना है, जैसे कार्बन देखना है, ठीक है. और ये एच कार्बन का 3 और हाइड्रोजन का फिर 4. तो नंबर 1, 2, 3, 4 देने अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास. जिसका मास ज़्यादा है उसे नंबर 1, कम वाले को नंबर 2, उससे कम वाले को 3, सबसे कम वाले को नंबर 4. फिर स्टूडेंट्स आपने उसे आपने मूव करना है 1 से 2, 2 से 3 की तरफ. 1 से 2, 2 से 3 की तरफ मूव करना है. 4 को अवॉइड कर सकते हो. 1 से 2 जाना है और 2 से कंटिन्यूसली 3 जाना है. अगर आपकी रोटेशन चल रही है क्लॉकवाइज तो उसे आर बोल देंगे, अगर रोटेशन चल रही है एंटी क्लॉकवाइज तो उसे एस बोल देंगे. यस स्टूडेंट्स तो आपको साफ दिख रहा है कि ये जो क्लॉक ये जो मूवमेंट चल रही है वो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एस हो गया. बट सबसे मेन लोएस्ट प्रायोरिटी दैट इज नंबर 4, जो नंबर 4 है दैट शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन. ये वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, पर या तो नहीं है. इफ इट इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन देन रिवर्स योर आंसर. तो आपका आंसर रिवर्स कर दो, एस की जगह पे आपका आंसर जो है वो क्या कर दो, आर कर. तो स्टूडेंट्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है. स्टूडेंट्स इसको ऐसे याद रखना कि हम लोग जो क्लॉकवाइज को आर बोलते हैं नॉर्मली, ऐसे याद रखो आर फॉर राइट एंड जो क्लॉकवाइज जो घड़ी घूमती है वो राइट घूमती है, मतलब क्लॉकवाइज घूमती है. तो ऐसा याद करोगे तो वो आर दिमाग में बैठ जाएगा. क्लॉकवाइज मतलब सही मतलब राइट, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी उल्टी नहीं घूमती है गलत, वो आपका दूसरा एस हो जाएगा. पर आर आएगा कि एस आएगा ये ध्यान रखना कि लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे होनी चाहिए. वर्टिकल पे है तो जो आपका आंसर आया वही आंसर होगा, वर्टिकल पे नहीं है तो अपना आंसर एक्सचेंज कर देना, उल्टा कर देना. और देखते हैं और भी कई सारे रूल आएंगे, देखते हैं. जैसे ये बताना है आपको, यस नंबर 1 किसको दे स्टूडेंट्स, सी एल एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा होगा. इसको पूरे को काउंट नहीं करना, इसका पहला कार्बन तो इसका भी पहला कार्बन, आगे चलो इसका अगला हाइड्रोजन. पर स्टूडेंट्स इसका अगला जो है वो कौन है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है. जैसे मैं इसको इस चीज़ को पहले मैं अलग से दिखाता हूँ, आप इस चीज़ को पहले समझो. क्या मैं इसको ऐसे नहीं शो कर सकता, अब ये देखें इसका पहला, जैसे ये एक वाला क्वेश्चन था नंबर 1 तो ये हो गया, इसका पहला कार्बन तो इसका भी पहला कार्बन, इसका तो अगला हाइड्रोजन ही है पर इसका अगला हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी तो हो सकता है. इस कार्बन के साथ अटैच कार्बन भी तो है और एच भी है, उसको देखना है जिसका मास ज़्यादा है. तो क्यों ना फिर हम कार्बन को देखें, इसलिए नंबर 2, फिर नंबर 3 और नंबर 4. अब स्टूडेंट्स आपने मूव करना है 1 से 2, 2 से 3 की तरफ. 1 से 2, 2 से 3 तो ये मूवमेंट जा रही है क्लॉकवाइज आर, पर आपका आंसर क्या है एस,
क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं है। ओके सर, अगला क्वेश्चन, कुछ और नया रूल आएगा इसमें देखना। यस, नंबर वन देखते हैं पहले तो, कार्बन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ दो, तीनों में कार्बन आ गया। अगला देखो, इसमें अगला हाइड्रोजन है, इसमें अगला ऑक्सीजन है, इसमें भी अगला ऑक्सीजन है, इसको छोड़ दो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। अब इसका तो अगला हाइड्रोजन है, पर स्टूडेंट्स इसका अगला एक और ऑक्सीजन है। अब एक नया रूल सुने, अगर किन्हीं एटम्स के बीच में बॉन्ड एक से ज्यादा है तो दिस रिप्रेजेंट कि अगर कार्बन के साथ दो बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो आप दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जितने बॉन्ड होंगे एक्चुअली में कार्बन के साथ ऑक्सीजन उतने लगे होंगे। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो ऐसा है CN, तो दिस इज इक्वल टू क्या, एक N, एक और N और एक और N। कार्बन हाइड्रोजन के बीच जितने बॉन्ड, मतलब वो एटम उसके साथ उतनी बार अटैच है। आप इसको ऐसे दिमाग में रखें, यानी ऑक्सीजन कार्बन के साथ दो बार अटैच है, दो बॉन्ड तो दो बार अटैच है, तीन बॉन्ड तो तीन बार अटैच है। इस तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा, ये देखो इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया एक्चुअली में ये दिस इज इक्वलेंट टू दिस, डबल बॉन्ड मतलब दो दो ओ लगे हुए। अब देखो पहला सी, अगला ओ, इसका भी अगला ओ, फिर इसका अगला एच आएगा, जबकि इसका अगला क्या आएगा, ओ। तो नंबर वन इसको मिलेगा, नंबर टू फिर इसको मिलेगा, नंबर थ्री और नंबर फोर, वन से टू, टू से थ्री। यस, ये मूवमेंट कैसे हो रही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है आर, और योर आंसर इज एस, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, वो वर्टिकल पे होनी चाहिए थी, अगर वर्टिकल पे होती फिर वही आपका आंसर आ जाता। तो स्टूडेंट्स आई होप सबको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जितने बॉन्ड उतनी बार वो एटम उसके साथ अटैच है, इसका मतलब ये होता है। और देखते हैं, ऑब्वियसली पहला ऑक्सीजन है नंबर वन, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इसका अगला ऑक्सीजन है, तो नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। वन से टू जाना है, टू से थ्री, वन से टू फिर टू से थ्री। तो ये मूवमेंट जा रही है क्लॉकवाइज, और क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे आ रहा है तो यही उसका आंसर है, दैट इज कॉल्ड आर। यस स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, कार्बन कार्बन कार्बन, स्टूडेंट्स ये फिनाइल ग्रुप लगा होगा, अगर मैं इसको दोबारा से अलग से बनाता हूँ, लाइक मिथाइल है सी के साथ एच, डबल बॉन्ड का मतलब मानते हो ना कि ऐसा कुछ हो चुका है, ठीक है। अच्छा ये एच है, दिस इज फिनाइल, आपको पता है फिनाइल का मतलब कुछ ऐसा हो गया। अब देखो ये कार्बन, ये कार्बन, अगला कार्बन, इसका भी अगला कार्बन, इसका अगला कार्बन, इसका भी अगला कार्बन, इसका अगला हाइड्रोजन, पर इसका तो अगला फिर से कार्बन आएगा डबल बॉन्ड की वजह से, यहाँ पे एक सी समझो और आ जाएगा, तो इसलिए नंबर वन ये जाएगा, नंबर टू एंड नंबर थ्री एंड नंबर फोर। तो बेसिकली फिनाइल के अंदर, मैं दोबारा समझाता हूँ, फिनाइल के अंदर जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन तो हो गया, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड की वजह से समझो एक कार्बन और आ गया, है ना, वन से टू, टू से थ्री, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, पर इसका आंसर क्या होगा, आर, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम आर एस निकाल लेते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको आर एस सिखाता हूं, जिसमें कायरल कार्बन दो होते हैं, दो कायरल कार्बन वाला ग्रुप आ जाए तो कैसे करेंगे। सिंपल स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप इसकी जो नंबरिंग है वो करेंगे, वन टू थ्री फोर। नंबरिंग का मतलब ये है, अगर आप इसको आईयूपीएसी नेम अगर आप करेंगे तो नंबर क्या देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है बेसिकली सेकंड कार्बन है, और ये वाला कार्बन जो है वो थर्ड, तो सेकंड कार्बन को अलग सॉल्व करो, थर्ड कार्बन को अलग सॉल्व करो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इस वाले कार्बन को सॉल्व करते हैं। यस, इस कार्बन का एक तो ब्रोमीन है, एक मिथाइल है, एक एच है, और एक ये पूरा ग्रुप है, ठीक। नंबर वन ऑब्वियसली ब्रोमीन को मिलेगा, नंबर टू किसको मिलेगा,
इसका कार्बन, पर इसका भी कार्बन, इसका अगला ब्रोमीन, इसका अगला एच, तो नंबर टू इसको मिल जाएगा, नंबर थ्री इसे मिलेगा और नंबर फोर इसे मिलेगा। तो इस हिसाब से करें तो वन से टू, वन से टू और टू से थ्री क्लॉकवाइज घूम रहा है आर पर, आपका आंसर क्या होना चाहिए एस। तो इसका आंसर है टू पे तो बना हुआ है एस, यानी सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन कैसी है एस है। अब स्टूडेंट्स आपने जो थर्ड वाला कार्बन है उसकी तरफ देखना है, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखें स्टूडेंट्स, अब जो थर्ड वाला कार्बन है अब उसको देखना है। इसके लिए एक ग्रुप ये है, दो तीन और ये पूरा का पूरा फोर ग्रुप। यस, नंबर वन ब्रोमीन को मिलेगा, फिर नंबर टू इसको मिलेगा क्योंकि पहला से कार्बन, ऐसा पहला कार्बन, इसका अगला एच आएगा, इसका अगला जो है वो कार्बन आएगा, इसका अगला ब्रोमीन आएगा, तो ब्रोमीन का ज़्यादा है, ये थ्री और ये फोर। अब जो जो ग्रीन वाले उनको देखो, वन से टू, टू से थ्री, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया एस, और इसका आंसर क्या होगा आर। तो थ्री पे ये क्या बन रहा है, आर बन रहा है, थ्री पे आर बन रहा है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, इसको आराम से करो, दोबारा लिख के प्रैक्टिस करो। अब जैसे यहां तो आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो, इधर देखो, इस वाले को अलग देखना है और इस वाले को अलग देखना है। ये नंबर टू कार्बन है, ये नंबर थ्री कार्बन है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। ब्रोमीन ये नंबर वन आया, इस पूरे को नंबर टू मिलेगा, ये थ्री मिलेगा और ये फोर मिलेगा। अब मूवमेंट जो है थोड़ा ऐसे कीजिए, वन से टू, टू से थ्री, ये मूवमेंट जा रही है। अगर ये मूवमेंट होगी तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, होना तो चाहिए था एस पर होगा क्या आर, तो टू पे तो ये क्या आ गया, आर आ गया। अब आप थर्ड वाले को देखें, हो सके तो इनको हटा दो, जो नंबर वन टू थ्री फोर दिया था ना, इनको हटा देना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। यस, अब थर्ड वाले कार्बन को देखें, ब्रोमीन को नंबर वन मिलेगा, ऊपर वाले को नंबर टू मिलेगा, फिर ये नंबर थ्री आएगा और ये नंबर फोर आएगा। यस, वन से टू, टू से थ्री, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, पर इसका आंसर क्या हुआ आर, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं है, तो थ्री आर। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक और करते हैं, जैसे इसको बताएं। अब ये इसमें सिंगल वाला आ गया, पहला ऑक्सीजन, इसका पहला कार्बन, इसका पहला कार्बन, इसका पहला हाइड्रोजन, पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है, नंबर वन। अब इसका पहला कार्बन, इसका पहला कार्बन, इसका अगला नाइट्रोजन है और इसका अगला कौन है, ऑक्सीजन है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है, तो इसके लिए नंबर टू, नाइट्रोजन को थ्री और ये फोर। तो मूव कैसे करना है, वन से टू, टू से थ्री, तो ये आपका चला गया एंटी क्लॉकवाइज, इसका आंसर एस ही रहेगा क्योंकि ये लोएस्ट प्रायोरिटी पे आ रहा है, नंबर फोर लोएस्ट, नंबर फोर जो है वो वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, इसलिए नंबर जो है वही रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमने आरएस सीख लिया, सिंगल वाले में भी सीख लिया और डबल वाले सिस्टम में भी सीख लिया। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि मैथड टू प्रिडिक्ट ए गिवन आइसोमर्स, जैसे आपको ना यहाँ पे जैसे ये दो आइसोमर्स गिवन है, ये वाला और ये वाला, बताओ ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है या इनेंशियोमर्स है, आइडेंटिकल है दोनों या इनेंशियोमर्स है। तो स्टूडेंट्स ये आप आरएस से पता लगा सकते हो, मेथड टू प्रिडिक्ट गिवन स्टीरोइसोमर इज आइडेंटिकल और आइडेंटिकल और इनेंशियोमर। क्या करो, आप पहले उनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, अगर जिनको कंपेयर कर रहे हो, जिन दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे हो, दोनों ही आर या दोनों ही एस आ गए, दोनों ही सेम आ गए, दोनों ही आर या दोनों ही एस, मतलब वो आइडेंटिकल है, एक आर आया और एक एस आया, या कह दो एक एस आया और एक आर आया, तो समझो वो क्या होगा, इनेंशियोमर। तो बड़ा इजी सा था, दोनों सेम आ जाए तो आइडेंटिकल, दोनों डिफरेंट आ जाए तो वो इनेंशियोमर होते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइडेंटिकल और इनेंशियोमर, इन दोनों में से कौन सा पेयर आपस में आइडेंटिकल है और इनेंशियोमर है वो बताना है। स्टूडेंट्स इनका आप आर एस निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ पे पहले निकाल के रखा हुआ है, आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर यही आना चाहिए। एक सॉल्व कर देता हूँ, NCHC
एन का मास ज़्यादा है, फिर यहाँ पे ये वर्क इसमें अगला ओ आएगा, इसमें अगला एच आएगा, नंबर थ्री नंबर फोर, तो वन से मूव करना है टू, टू से मूव करना है थ्री, तो ये चल रहा है क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज का मतलब आर हो गया और लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो आर ही रहेगा, सबका निकाल लेना। यस, अब बताओ ये दोनों पेयर आपस में क्या होंगे, एक आर है एक एस है, तो यस ये आपस में होंगे इनेंशियोमर्स, ये आर है ये आर है, तो ये आपस में क्या होंगे आइडेंटिकल, तो इस तरह से इजीली पता लगा सकते हो। पर स्टूडेंट्स अगर डबल वाला सिस्टम आए वहाँ थोड़ा रूल बहुत अच्छे से याद करना, उस रूल को बड़े अच्छे से समझ लेना। मेथड टू प्रिडिक्ट इनेंशियोमर आइडेंटिकल एंड डायस्टेरोमर्स, स्टूडेंट्स जिसमें डबल कार्बन कार्बन वाला सिस्टम आता है डायस्टेरोमर उन्हीं में आता है, सिंगल वालों में डायस्टेरोमर्स वाला केस नहीं होता, उनमें सिर्फ आइडेंटिकल और इनेंशियोमर का केस होता है, जबकि डायस्टेरोमर इसके अंदर आ सकता है। अब जिसमें दो कार्बन कार्बन आते हैं तो उसमें कैसे पता लगाएं, स्टूडेंट्स यहाँ थोड़े मैंने रूल्स कुछ ट्रिक्स हैं, इनको अच्छे से याद करना। पहले आप क्या करो, सभी का आर एस निकाल लो, इस वाले पॉइंट पे आर है या एस है, इस पॉइंट पे आर एस है, इस पॉइंट पे जो भी है वो निकाल। फॉर एग्जांपल मान लो ये ऐसे आ गया एस आर और एस आर, स्टूडेंट्स इसका जो एस आर आया मैं उसको एक पेयर वर्ड बोल रहा हूँ, पेयर दैट इज पेयर, पर कंपैरिजन इन दोनों में करना है, पर इनका जो जो भी एस आर है उसको मैं बोल रहा हूँ सेट। पहले इस चीज को समझिए, ये पेयर है आपस में, ये पेयर है एस आर पेयर है, जैसे मैं कहूँ अगर एस और आर अभी दोनों डिफरेंट पेयर है, ये जो पेयर है वो डिफरेंट है, ये जो पेयर है वो सेम पेयर नहीं है, डिफरेंट पेयर है। सेट ये पूरा एज ए होल, देखा सेट सेम है, एस आर एस आर दोनों सेम है, तो सेट जो है सेम। अगर बोथ पेयर डिफरेंट हो, पेयर तो डिफरेंट हो पर सेट सेम हो तो उसे आइडेंटिकल कहते हैं। थोड़ा आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, इसको अच्छे से याद करो। पेयर अगर डिफरेंट हो, आपस में पेयर डिफरेंट है, ऐसा ये वाला पेयर अलग है पेयर अलग है, पर दोनों सेट आपस में क्या है सेम है, फिर तो वो आइडेंटिकल हो गया। अगर दोनों अगर पेयर जो है दोनों पेयर सेम आ जाए, ये पेयर आपस में सेम, ये पेयर आपस में सेम, पेयर क्या आ जाए बोथ पेयर सेम, या दोनों पेयर डिफरेंट हो पर सेट भी डिफरेंट हो, सेट भी आपस में क्या हो डिफरेंट हो, या तो दोनों पेयर सेम हो जाए या दोनों पेयर डिफरेंट है तो फिर सेट भी क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं इनेंशियोमर। और अगर एक सेट सेम आ गया, अगर एक सेट इफ वन पेयर सॉरी इफ वन पेयर सेम, अगर एक पेयर सेम आ गया तो उसे क्या बोलते हैं डायस्टेरोमर्स। चलो देखते हैं, अब जैसे क्वेश्चन है, ये दोनों अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बताओ ये दोनों जो मॉलिक्यूल थे, मैं थोड़ा सा इसको अगर सही लिखता हूँ ये थोड़ा सा विजुलाइजेशन बढ़िया हो जाएगी। अभी आप लोगों ने इसको सॉल्व किया था, हमने अभी सॉल्व किया, इसका आंसर ये आया था, तो बताओ ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, इनेंशियोमर्स हैं या डायस्टेरोमर्स हैं। यस स्टूडेंट्स आपने देखा एक पेयर सेम आ रहा है आर 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 आर, अगर एक पेयर सेम आ जाए, मैंने बताया था अभी अगर एक पेयर सेम आ जाए तो वो क्या होते हैं डायस्टेरोमर्स, तो इसका मतलब है कि ये जो है आपस में क्या है डायस्टेरोमर्स। ओके स्टूडेंट्स और देखते हैं क्वेश्चन, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है कि इसका आंसर 2s3s 2r3r 2s3r और 2r3s आएगा। अब जरा आप ये बताओ 1 और 2 आपस में क्या है, आराम से देखो 1 ये रहा 1 और ये रहा 2, ss rr पेयर सेम, पेयर सेम दोनों पेयर सेम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते थे इनेंशियोमर्स। यहाँ पे पॉइंट है स्टूडेंट्स, देखो जरा ये दोनों पेयर सेम आ जाए तो इनेंशियोमर, दोनों पेयर डिफरेंट है पर दोनों सेट भी डिफरेंट है तो भी इनेंशियोमर होता है। व्हेन इट इज आइडेंटिकल, जब पेयर डिफरेंट हो पर सेट सेम। अगला देखते हैं 1 और 4 बताएं क्या है, 1 एंड 4 एस एस आर एस एक पेयर सेम है, इसका मतलब ये क्या हो गया फिर डायस्टेरोमर्स, ये डायस्टेरोमर्स हो गए। अब कोई भी आपस में कंपेयर जो है वो कर सकते हो, जैसे आप अगर आपने सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना है
आर आर और एस आर एक पेयर से में, मतलब ये भी आपस में क्या है, डायस्ट्रियोमर्स है ना, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और ना ही ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ओके, अगर आपने मान लो देखना है थ्री और फोर देखना है, एस आर आर एस दोनों पेयर डिफरेंट है पर दोनों सेट भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए, इनेंशियोमर्स हो गए। अब स्टूडेंट्स ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अब आपने आर एस कन्फिग्रेशन बतानी है इस तरह के सिस्टम में। स्टूडेंट्स ऐसे सिस्टम का वेज और डैश, जो ऐसा सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, और जिसमें स्टूडेंट्स ऐसे डार्क लाइंस बनी हो और एक डैश लाइन बनी हो, इसे हम लोग कहते हैं वेज और डैश। इस वेज का मतलब होता है कि दैट मॉलिक्यूल इज टुवार्ड्स यू, स्क्रीन से आपकी तरफ बाहर निकल रहा है, और डैश का मतलब है ये स्क्रीन से पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट टू यू। इसमें कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, पहले तो वैसे ही आप नंबर 1, 2, 3, 4 दे दो, वही रूल नंबर 1, 2, 3, 4 देने का, जिसका मास ज़्यादा है 1। अब आपको प्रैक्टिस होगी, आप इसको जल्दी से 1, 2, 3, 4 दे सकते हैं। पहले मैं सभी को 1, 2, 3, 4 उनके मास के हिसाब से उसे असाइन कर रहा हूँ। सभी का कार्बन, इसमें अगला ब्रोमीन आएगा तो नंबर 1, इसमें अगला कार्बन आएगा, फिर इसमें अगले दो कार्बन आएंगे नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब सुने स्टूडेंट्स, अब आपने 1 से 2, 2 से 2, 3 की तरफ मूव करना है, ठीक, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज चल रहा है आर। इसमें रूल ये है कि लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे होनी चाहिए, अगर डैश लाइन पे है तो इट इज योर आंसर। अगला देखते हैं, 1 से 2, 2 से 3 आर बन रहा है, पर लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे नहीं है। सिर्फ ये देखो लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन से कितने स्टेप दूर है, जस्ट एक स्टेप दूर है, एक बार आंसर एक्सचेंज कर दो। आगे देखिए, 1 से 2, 2 से 3 आर बन रहा है, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन से कितने स्टेप दूर है, एक स्टेप, दो स्टेप, दो स्टेप दूर है, दो बार आंसर चेंज कर दो, एस वापिस आर, दो बार आंसर को एक्सचेंज कर दो। तो इसमें ऐसे, तो इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे होनी चाहिए, अगर वो ना हो तो कितने स्टेप दूर है वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, उसे एक उतनी बार एक्सचेंज कर देना। नाउ स्टूडेंट्स, योर लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूल्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, कि उसमें ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे कितने। पहला केस, पहले आप चेक करना कि आपके मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। व्हेन नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो स्टूडेंट्स ऑप्टिकल आइसोमर को निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन। आप उसमें पहले कायरल कार्बन काउंट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पहले से ढूंढे हुए कायरल कार्बन, ये ग्रुप अलग, H अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, तो इसमें 4 कायरल कार्बन आ गए और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है। तो 2 की पावर 4, 2, 4, 8, 16, इसका मतलब 16 इसके आइसोमर्स बनेंगे। पर अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो n इवन है या n ओड है, नंबर ऑफ कायरल ओड है या इवन है, फिर उसके ऊपर, अगर ओड है, अगर इवन है, अगर स्टूडेंट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो उसमें मीजो कंपाउंड्स भी बनते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के साथ साथ मीजो कंपाउंड्स भी बनते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे, 2 की पावर n-1, मीजो कंपाउंड्स कितने होंगे, 2 की पावर n/2-1, और टोटल आइसोमर कितने होंगे, दिस प्लस दिस, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो टोटल आइसोमर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने देखा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ठीक है, होल्ड हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, कायरल कार्बन देखा कि वो इवन है, ऑप्टिकल एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n-1, 2 की पावर 2-1, 2 की पावर 1, तो आंसर कितना आ गया, 2। मीजो कंपाउंड, 2 की पावर n/2-1, मतलब 2 की पावर 2/2-1, मतलब 2 की पावर 1-1 मीन्स 2 की पावर 0, और किसी की पावर 0 तो मतलब वो क्या होता है, 1। तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर 2 है, मीजो कंपाउंड 1 है, टोटल आइसोमर इसमें कितने हैं, 3 है। तो सिमिलरली ओड वाले का ये फॉर्मूला है, तो ऐसे आप ओड वाला भी कर सकते हैं।